क्या आप मुमरा में प्रॉपर्टी देख रहे हो? तो मैं आपको यहाँ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK चाहे शॉप ले सकते हो। फिलहाल हमारा जो लोकेशन है वो शील थाना की तरफ है। यहाँ से आपको कटाईनगर का एरोली ब्रिज हो गया, या आपको मेट्रो स्टेशन हो गया, या आपका बुलेट ट्रेन स्टेशन हो गया, सारी चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस से मिल जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज और आपके एमिनिटीज के स्विमिंग पूल तक यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ऑफर डिस्काउंट बहुत अच्छे चल रहे, 10% डाउन पेमेंट एंड 90% आपको लोन तक फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें और अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास में टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल देखने के बहाने से ये युवक अचानक से मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो जाता है। दुकान में काम करने वाले अरबाज हाशमी ने बताया कि 23 फरवरी की रात करीब 8 से 9 बजे के आसपास में दो युवक आते हैं। उन लोगों ने कहा कि मोबाइल फ़ोन लेना है और मोबाइल फ़ोन दिखाइए, जिसके बाद अरबाज सामने काउंटर में रखे मोबाइल फ़ोन उनको दिखाता है और तीन मोबाइल फ़ोन जो है वो हाथ में लेकर देखते रहते हैं। लेकिन उसके बाद अरबाज से ये युवक कहते हैं कि पीछे की तरफ जो मोबाइल रखा है वो दिखाइए। हालांकि अरबाज घूमना नहीं चाहता था पीछे की तरफ, हाथ काउंटर पर रखा हुआ है, लेकिन वो युवक कहता है कि मैं लेके मोबाइल भाग नहीं रहा हूँ, आप मोबाइल तो दिखाइए पीछे जो रखा है। जैसे ही अरबाज पीछे का मोबाइल उठाने के लिए घूमता है तभी अचानक से ये युवक जो हाथों में तीन मोबाइल लिया है ये लेकर फरार हो जाता है। हालांकि जब दुकान मालिक आए उसके बाद अरबाज ने मालिक को ये बात बताई, जिसके बाद इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो है इनका जो तमाम मोबाइल की दुकान वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाला गया, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि ये जो युवक मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हुआ है ये दारुल फला के आसपास में ही रहता है। जिसके बाद इन लोगों ने उस युवक के घर जाकर उसे पकड़ा और उससे तीन मोबाइल फ़ोन जो इस दुकान से लेकर ये भागा था युवक, उससे तीनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। लेकिन दुकानदारों को ऐसे चोरों से सावधान रहना है जो मोबाइल देखने के बहाने या फिर और दुकानदारों के यहाँ सामान देखने के बहाने से दुकानदारों को उलझा देते हैं कि ये दिखाइए वो दिखाइए, और फिर हाथ में जो मोबाइल फ़ोन लिए रहते हैं या कोई दूसरा भी सामान लिए रहते हैं वो लेकर फौरन रफो चक्कर हो जाते हैं। तो दुकानदारों को ऐसे लोगों से काफ़ी सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। अरबाज हाशमी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत नहीं की गई थी क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो मिल गया था। क्या नाम है आपका? अरबाज हाशमी। अच्छा, क्या मोबाइल का यहाँ पर चोरी का मामला सामने आया, क्या हुआ था चोरी और कब हुई थी? चोरी करीब 10 बजे 9:30 और 10 बजे के बीच में हुई थी। दो लड़के आए थे देखने के लिए मोबाइल, बोलते भाई ये आईफोन दिखाओ मुझे, फट्टा से तुरंत ही लेना है, मैं भाई को फ़ोन कर रहा हूँ पैसा लेके वो कैश तुरंत आ जाएगा। तो मैं बोला हाँ दिखा दो, तो मैं एक ये आईफोन 11 रेड वाला निकाल के दिखा, बोलते नहीं भाई जो दोनों दिखाओ मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है। तो मैं बोला इसी खींच लो शीशे के ऊपर से देख लो, तो बोलते नहीं मुझे, और क्योंकि मैं उनको जानता था क्योंकि वो शाम में भी अपने भाई के साथ दिखाया था, काला कलर का कुर्ता पैजामा पहन के टोपी लगाया था और वो वाइट कलर का पहना था शर्ट। तो आया सामने आया था, मैं बोला कि अभी चले जाओ, भाई नहीं है घर पे गए हैं खाना खाने, तुम रात में आ जाना। तो फिर वो रात में जब ये भाई चले गए अपने, कब की बात है, आज या कल? कल कल कल। हाँ, तो जब वो भाई चले गए नमाज़ पढ़ने, फिर मैं अकेला था, मैं इसी खड़ा था, तो उन लोग आए, बोलते भाई, मैं बोला हाँ तुमको पहचानता हूँ, सुबह आए थे शाम में आए थे। तो बोले ये दिखाओ, तो मैं एक दिखाया एक निकाला, बोलते भाई दो और दिखाओ, तो मुझे पहचानते नहीं, मैं शाम में आया था ना। तो फिर मैं निकाल के दिखाया, उसके बाद बोलते एक और दिखाओ, मैं फ़ोटो खींच के भेजता हूँ। फ़ोटो निकाले, मैं हाथ में से पकड़ा था, मैं बोला फ़ोटो खींच लो, फिर ऐसा दिया पैसा पकड़ लिया, मैं बोला भाई दो मोबाइल, तो बोलते हाँ भाई क्या, वो भाग थोड़ी रहा हूँ मैं खड़ा हूँ ना। तो मैं बोलता ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कितने का है, मैं ऐसा कर पोजिशन पर ही था, वो लेके चले गया। उतने में मैं उसको देखा तो शौक होगा, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि वो भाग गया। कितना मोबाइल था? तीन मोबाइल। कितना कीमत रहा होगा? 70-75,000। तो फिर ये भी सुनने आ रहा है कि जो मोबाइल ले गए थे तो आप लोगों ने कुछ वीडियो वायरल किए जिसके बाद उसका पता लगा, फिर मोबाइल भी मिला। यहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरा लगाया तो उस कैमरे के जरिए उसका पूरा चेहरा भी आ गया था। तो इधर पे भी एक कैमरा लगा तो पूरा कैमरे में कैद हो गया था, और सब और पूरा ग्रुप में डाल दिए जितने भी हमारे पहचान के थे, सब ग्रुप में। तो तीनों मोबाइल मिल गया? तीनों कहाँ से मिला वो लोग का? तीनों का मोबाइल इधर जब वो
सब जो जितने भी मेरे सोर्स जो लगे थे हाँ। उसके बाद रात में मुझे कॉल आया कि अरबाज भाई अरबाज आदर देखिए यही है चोर। तो मुझे मैं गया, मैं बोला हाँ यही है चोर। वो कपड़ा चेंज किया हुआ था अपना, जब वो मिला सब पकड़े तो कपड़ा चेंज किया हुआ, जब वो भागा था लेके फ़ोन तब वाइट कलर का पहना था, जब मैं मिला उससे तो पिंक कलर का हाफ टी शर्ट पहना था। तो जब देखा तो मैं बोला यही है, तो वो मतलब मोबाइल मिल गया ना आपका, मोबाइल मिल गया। फिर उसके बहुत पूछे, उससे पूछे, वो बता ही नहीं रहा जल्दी। फिर उसके बाद बहुत करते करते वो पुलिस स्टेशन में लेके गए, उसके बाद वो तो बोला कि हाँ भाई मैंने मोबाइल लिया, तो तीनों लाख के मोबाइल लिए। तीनों मोबाइल मिले, कुछ कंप्लेन वगैरह किए थे कि नहीं? कंप्लेन वगैरह नहीं। तो ऐसे और भी दुकानदार हैं, उन दुकानदारों को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे जो वारदात? ये कहना चाहेंगे मतलब कि थोड़ा सा सतर्क रहे, मेरे जैसे मैं तो समझ लो थोड़ा सा वो ध्यान से भटक गया था, सावधानी हट गई थी। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कैमरा लगाइए, अच्छे क्वालिटी वाले कैमरे लगे ताकि इसका फेस अच्छे से कैप्चर हो चारों तरफ 360 डिग्री।